गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस एट योर फिंगर टिप्स। सो आज का जो वीडियो है ये मेरे व्यूअर्स के लिए है, और बिफोर आई स्किप ऑन टू द मेन वीडियो मैं अपने व्यूअर्स को कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहती थी। जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ वीडियोज़ के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो कुछ वीडियोज़ प्लांट्स के ऊपर होता है, कुछ वीडियोज़ वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के ऊपर होता है। और क्योंकि मैं ज़्यादातर नॉन वेज आइटम्स बनाती रहती हूँ, तो कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक वेज आइटम आज बना दूँ। तो आज का जो वीडियो है ये व्यूअर के रिक्वेस्ट पे एक वेजिटेरियन, मतलब कि प्योर वेजिटेरियन आइटम मैंने बनाया है, और वही आज का वीडियो है, वीडियो का मेन सब्जेक्ट है। तो यही मैं बताना चाहती थी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर संडे मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं और हर वक्त मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस, अपने इंटरेस्ट का वीडियोस भी आपके लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा है, आई हैव डिसाइडेड दैट हर संडे मैं आप लोगों के इंटरेस्ट पे कुछ वीडियो ऐसा बना कर लाऊंगी जो आप लोगों को पसंद हो, आप लोगों को अच्छा लगे। और अगर आप लोगों को इसके पास, मतलब बहुत सारे और भी रिक्वेस्ट है इस तरह का वीडियो की, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं, और ऑब्वियसली मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। और अगर, जैसे कि आप बोलो मी दिस वीडियो इज़ फॉर योर, ऑन योर रिक्वेस्ट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को भी ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ नीचे जाकर वो जो लाइक और सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो हम लोगों को मोटिवेट करने में बहुत काम करता है। तो प्लीज़ नीचे जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एंजॉय करते हैं आज का वीडियो। तो आज का रेसिपी जो है ये मेरा एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे है, और ये है प्योर वेज पनीर का रेसिपी। तो आइए देखते हैं बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से कैसे बना लेते हैं सिंपल पनीर का प्योर वेज रेसिपी। तो इस पनीर की आइटम के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ पनीर जो मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, 1 टमेटो, 1 रेड बेल पेपर, 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर और मस्टर्ड पेस्ट। यहाँ पर है रोस्टेड मसाला, हल्दी और सॉल्ट। तो अब मस्टर्ड ऑयल में हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो पनीर का जैसे अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सॉल्ट इस स्टेज पे ऐड कर देती हूँ फ्राई करने के टाइम पे। अब इसको हम कर लेंगे साइड में, और इस सेम ऑयल में हम 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा देके इसको थोड़ा बहुत फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे कैप्सिकम, चॉप्ड टमेटोज। इस स्टेज में आप चाहे तो जिंजर, टमेटोज, कैप्सिकम के साथ चाहे तो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना चाहे तो। अब मसाले के तौर पे हम डाल रहे हैं नॉर्मली हल्दी, सॉल्ट और हमारा जो रोस्टेड मसाला है, और रोस्टेड मसाला का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तब सारे मसाले के साथ इन सारे वेजीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनली इसमें जाएगा हमारा मस्टर्ड पेस्ट। अब इसको हम 3 मिनट के लिए थोड़ा बहुत कुक करने देंगे, और उसके बाद ऐड कर देंगे फ्राइड पनीर क्यूब्स। एंड फाइनली अ हाफ कप ऑफ वाटर ग्रेवी का कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, और इसको हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में अच्छे से कुक करेंगे। ऑलराइट,
सो ये हमारा प्योर वेज पनीर का रेसिपी मस्टर्ड ग्रेवी में बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसको तीखा बनाने के लिए चिलीज ऐड कर सकते हैं, जो मैंने नहीं किया है। तो आप इसको राइस या चपाती के साथ नॉर्मली अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को एक लाइक और नीचे जाके सब्सक्राइब करना और साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा मेरे साथ रहने के लिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। आप मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ सेफ टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।